तेरे नैनों से तेरी आंखों से इश्क का है जो नशा। यार अब ह्यूमंस के ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हम लोग एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में बहुत शो ऑफ करते हैं। और ये जो इंस्टाग्राम फेसबुक के जो ट्रेंड है, ये जूते कपड़े तक तो ठीक है, पर ये जब किसी जानवर पे आते हैं ना तो वो गलत है। और यही ट्रेंड हमें देखने को मिला कोविड के टाइम डॉग्स पर। देख कर ये चेहरे कानों पल लगे तू गुरबत है। जैसे ही हर ट्रेंड का एक समय होता है, लेकिन उस समय का किसी को फर्क नहीं पड़ता। बट जब ये ट्रेंड खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा फर्क डॉग्स को पड़ा। वो फैमिलीज जो अपने फ्री टाइम पे डॉग्स को लेकर आई थी, आज फिर से एंगेज्ड होने के कारण अब उन डॉग्स की केयर नहीं कर पा रही। तेरी आंखों में ऐसा जादू है, मिल जाए तू सदा ना 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 ना। मूवी बनाने का मेन मोटिव हमारा ये है कि हम हर एक इंसान के पास जो डॉग डिफिकल्टीज अपने डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं उसको शो कर सके एक एंटरटेनिंग वे में। वैसे तो शूटिंग के टाइम हमने काफी चीजों में स्ट्रगल किया, बट एज अ डायरेक्टर मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि मुझे एक डॉग से एक्टिंग करानी थी। डॉग ट्रेंड था बट उसके बाद भी काफी सारी डिफिकल्टीज आई, क्योंकि मुझे फील के साथ एक्टिंग करानी थी जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो। इसलिए मैंने शूटिंग का सबसे ज्यादा टाइम डॉग्स के शॉट्स में दिया और उसका आउटकम भी काफी अच्छा निकला। ड्यूरिंग मूवी शूट जो मेरे को फनी एंड बेस्ट पार्ट लगा, वो वक्त जो हमने स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में बिताया एंड वो वक्त जो हमने डॉग के साथ बिताया और उसके साथ जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया। वैसे तो हमारे मूवी में 3 सॉन्ग्स हैं और सारे के सारे बहुत बढ़िया हैं। और अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे फेवरेट सॉन्ग आपका कौन सा है, तो मैं तेरे नैनों से सैड वर्जन चूज करूंगा, क्योंकि वो एक्चुअली शो करता है डॉग का इमोशन, डॉग कैसे सैड फील कर रहा है और उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं और इन सबको। मैं तभी चेंज किया था क्योंकि वहाँ डायलॉग सही थे कि हम मिल दिए थे, लेकिन शूट हमें जल्दी शूट में जल्दी करना था क्योंकि स्कूल की छुट्टी, स्कूल बंद, क्या लिखना जल्दी करना था। कुछ मत लिखिए, वही बोलिए, क्योंकि इसका थोड़ा सेंस कम बन रहा है, उसका सेंस ज्यादा बन रहा है। अच्छा। लेकिन ना जो सेकंड वाला पोर्शन है ना कि उसके साथ बहुत गलत कर रहा है जो भी लिखा हुआ उसमें, वो थोड़ा स्लो बोलिएगा। कॉपी नीचे गिरा दी। ये शॉट बढ़िया है। रेडी रेडी ये सही था। ये अब आ गए शाहिद सर, अब इनका रोल है, कौन सा रोल है, काठी रोल है। चलो इनका रोल है, मैं पहले तो यही रोल समझाते हैं इनको। इस मूवी के एक गाने के लिरिक्स मैंने लिखे हैं जो इसका टाइटल ट्रैक है, और वो मैंने इसलिए लिखे क्योंकि मैं चाहता था कि जो मैंने विजुलाइज किया है सीन को, मैं उसके थ्रू ही वो लिरिक्स निकालूं। और जैसे मैंने जो सीन विजुलाइज किया था, ये एक डॉग है, उसके नन्हे नन्हे कदम है, तो मैंने उसी टाइप के लिरिक्स निकाले कि नन्हे नन्हे कदमों पर चल के मेरी जिंदगी में आना। तो वो टाइटल ट्रैक है मूवी का, और मैं होप करता हूँ कि वो आपको सच्ची में बहुत पसंद आए।